हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में आपको यहां पर जानकारी है वो देने वाला हूं। रेगुलरली कमेंट आ रहे थे जो KGME की वैकेंसी है, यानी कि KGME जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जिसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली भरे जा चुके हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आएगी। तो फाइनली जो एग्ज़ाम डेट की अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, जिन कैंडिडेटों को नहीं पता, वो वैकेंसी KGME की वैकेंसी है जिसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा दिए गए हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की कुल पोस्ट कितनी थी, 1200 यानी कि 1200 क्या थी कुल पोस्ट यहाँ पर दी गई थी नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं उसकी जो एग्ज़ाम डेट के बारे में कि इसकी जो KGME की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कोई अपडेट तो आया है। तो फ्रेंड देख लीजिए, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या इसका जो इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, या कोई ऑफिशियल नोटिस आया है किससे रिलेटेड, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसके रिजल्ट के या फिर एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। इसमें देख लीजिए, September 6 के आपको शॉर्ट टर्म वो इंटरव्यू का यहाँ पर आपको एक नोटिस आया हुआ है। बाकी इसके अंदर देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है KGME की तरफ से। सिर्फ यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल जो एग्ज़ाम पेपर था वही यहाँ पर करवाया गया है, ये देख लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर दिया गया है जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के सिर्फ आपको यहाँ पर जो 22 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था या फिर जो एप्लीकेशन ऑनलाइन किए गए थे वही यहाँ पर दिया गया है, बाकी एग्जाम डेट की यहाँ पर कोई भी सूचना नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक एग्ज़ाम कंफर्म जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है और एग्ज़ाम भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो किसी भी अफवाहों में न आए अपने एग्ज़ाम्स के लिए या एग्ज़ाम डेट के लिए कंफ्यूज या डाउट में ना रहें, क्योंकि अगर आप रेगुलरली नई नई वीडियो देखते रहेंगे और आपके पास अगर फिक्स एक डेट नहीं आएगी तो आप क्या इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर मेंटली थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है KGME की वैकेंसी से रिलेटेड या KGME के एग्जाम से एग्जाम डेट से रिलेटेड, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जो भी कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो कैंडिडेट अब नए जुड़ेंगे, तो उन वो कैंडिडेट निश्चिंत रहें, जैसे ही KGME की एग्ज़ाम की डेट आएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अभी तक तो कोई भी यहां पर एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशंस की डेट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, मैंने आपको देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दी गई है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे डाउटफुल चीज़ों के अंदर ना देख कर डाउट में ना आए, अपनी रेगुलरली तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, यानी कि जैसे ही अगर डेट आएगी एग्ज़ाम की तो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट का आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और आपकी जो वैकेंसीज है, यानी कि एकदम से डेट आएगी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एक महीने का गैप मिलेगा, तो आप जो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू बना के रखें। जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूँगा। तो यही एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि डाउट में ना रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय